अब हम पैटर्न समझेंगे। आप सब पैटर्न कर रहे हो, बना लिया आपने, जोड़ के पैटर्न बनाए बनाए, संख्याओं के पैटर्न बनाए। अब देखो, अब ये हमारे पास में एक पैटर्न है तीन अंकों का, ये तीन वर्ग बने हमारे सामने, ठीक है। आपने हमने ये देखा है कि ये सात आए, ये तीन वर्ग बने नीचे, दो वर्ग ऊपर बने और एक ऊपर बना। अब हम ये देखें क्या ये सात कहाँ से आए। ये देखो, ये सात लिखे कैसे आया, सात हमें कौन उत्तर देगा, हाँ बताओ आप, किनको, ये चार और तीन को जोड़ा हमने, सात हुआ। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, नौ। नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नौ। यहाँ पे नौ आएगा। चलो, ये हमने नौ लिख दिया, ठीक। उसके बाद में यहाँ क्या आएगा, यहाँ कौन सी संख्या आएगी, सोलह। किनको सोलह कैसे आया आपके पास में, इन दो को जोड़ने से, नौ और सात को जोड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ सोलह। अब देखिए अपन, ये हमारी करिश्मा ने बताया कि ये सात कैसे आया, करिश्मा, इन दो को जोड़ने से, किनको किनको नाम बताओ, चार और तीन को क्या आया, सात। ये नौ कैसे लाया आप, चार और पाँच को जोड़ने से क्या हुआ, नौ। यहाँ सोलह कहाँ से लाए, सात और नौ को जोड़ने से। ताली बजा दो, बहुत सही बताया, इनको एक चॉकलेट इनाम में दिया जाएगा। ये पैटर्न हमारी करिश्मा ने पूरा किया, ये वाला पैटर्न। अब हम ये देखते हैं ये पैटर्न कौन पूरा करेगा, ये वाला पैटर्न कौन पूरा करेगा। ये देखो, करिश्मा ने बताया, निखिल बताएंगे, लेकिन ये बताओ कि ये तीन कहाँ से आए हैं, एक और दो को जोड़ने से क्या आया है, तीन। अब यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, कैसे कौन को जोड़ोगे आप, दो और तीन को जोड़ोगे, ये हमने यहाँ पांच लिख दिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या लाओगे आप, सात। कौन संख्या को जोड़ा है आपने, तीन और चार को जोड़ दिया, तो क्या हुआ है यहाँ पे, सात हो गए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या आएगा अपना, संख्या कौन सी संख्या होगी यहाँ पे, कौन कौन संख्या को जोड़ी आपने, तीन और पाँच को जोड़ा आपने, आठ लिया है आप। चलो, यहाँ कौन सी संख्या होगी, बारह। बारह किनको जोड़ा आपने, जोर से बोलो, क्या बोला आप, यहाँ पाँच और सात को जोड़ा, कितने हो गए, बारह। अब यहाँ पे क्या होगा आपने, कौन सी संख्या आएगी, बीस। शाबाश, ताली बजा दो। ये हमारे निखिल भैया ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आप सब, ये तीन हमारे आए, इन्हें दो अंकों को जोड़ा, एक और दो को जोड़ा, तीन हो गए। ये पांच आए, इन दोनों पास वाली संख्याओं को जोड़ा, तीन और दो को जोड़ा, पांच हुए। ये चार और तीन को जोड़ा, सात हुए। अब हमारे पास में ये वाले आठ आए, ये कैसे आए, पांच और तीन को जोड़ा, आठ हो गए। सात और पांच को जोड़ा, बारह हो गए, और बारह और आठ को जोड़ा तो बीस हो गए। निखिल ने बिल्कुल सही बताया, तालियां।